और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव सातवें दिन जेल से बाहर निकला। नोएडा पुलिस एल्विश यादव को जेल से लेकर रवाना हुई है। गुरुग्राम कोर्ट पे एल्विश यादव को पेश करेगी नोएडा पुलिस। गुरुग्राम पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया था। मारपीट के एक मामले में एल्विश पर गुरुग्राम में मामला दर्ज हुआ था और प्रिजन वैन से नोएडा पुलिस एल्विश को लेकर गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है पुलिस। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम कोर्ट में एल्विश यादव को पेश किया जाएगा। पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है और लगातार एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी जब एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई तो मामला था स्नेक वेनम को लेकर, और एक और वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ था जिसमें एल्विश यादव एक व्यक्ति को पीटते हुए नजर आ रहे थे, और उसी मामले में आज एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो थोड़ी देर में एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जेल से लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस। गुरुग्राम कोर्ट में एल्विश यादव को पेश करेगी नोएडा पुलिस कुछ ही देर में। तो गुरुग्राम पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया था। मारपीट के एक मामले में एल्विश यादव पर मुकदमा दर्ज किया था। अपने फैन को पीटते हुए नजर आए थे एल्विश यादव, और उसी मामले में जब FIR दर्ज की गई तो आज कोर्ट में पेशी होनी है, जिसको लेकर एल्विश यादव को पुलिस रवाना हो चुकी है और बस थोड़ी ही देर में एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले उन पर स्नेक वेनम का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे, और एक और वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति के साथ में मारपीट करते हुए एल्विश यादव नजर आ रहे थे। ये वही मामला है जिसको लेकर आज कोर्ट में पेश किया जाएगा एल्विश यादव को। ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए। हिमांशु, पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है एल्विश यादव को, बताइए क्या अपडेट है, कितने बजे तक कोर्ट में पेश किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, सुबह करीब 8:30 से 9 के बीच में नोएडा पुलिस यहां से एल्विश यादव को प्रिजन वैन में गुरुग्राम लेकर रवाना हुई है। दरअसल में प्रोडक्शन वारंट जारी था एल्विश यादव के खिलाफ और इसी को लेकर अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीते कुछ दिनों पूर्व एल्विश के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें वो मैक्स्टर से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वायरल हुआ था और उसी प्रकरण में 147, 323, 504, 506 सहित अन्य धाराओं में एल्विश के खिलाफ मारपीट और जान मारने की धमकी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी में प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया गया था। और अब एल्विश को लेकर यहाँ से नोएडा पुलिस रवाना हो चुकी है प्रिजन वैन में, और ऐसा माना जा रहा है कि वहां पेश किया जाएगा। और अब वहां के कोर्ट पर ये डिपेंड करता है कि एल्विश को बेल होती है या जेल होती है। जी, आप नजर बना रखिएगा हिमांशु, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।